हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू टेंडर कुही। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ह्यूज H&M का शॉपिंग हॉल। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने कुही के सेकंड बर्थडे पे उसे गिफ्ट करने के लिए परचेज किए हैं। इसमें से कुछ प्रोडक्ट मैंने H&M की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज किए हैं एंड कुछ मैंने मिंत्रा की ऐप से परचेज किए हैं। इस हॉल को मैं आप लोगों के साथ दो पार्ट्स में शेयर करूंगी। इस पार्ट वन में यानी कि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो मैंने H&M की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज किए हैं एंड पार्ट टू में जो मैंने मिंत्रा से परचेज किए हैं। आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। अभी तक मैंने इन प्रोडक्ट्स को देखा नहीं है। आप लोगों के साथ ही इसी वीडियो में मैं ये सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके ओपन करूंगी। सो ये सब देख लेते हैं मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, सिर्फ एक यही प्रोडक्ट है जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, बाकी सारे प्रोडक्ट्स मैंने कूही के लिए परचेज किए थे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मुझे रिसीव हुआ है ये प्यारा सा रेट्रो लुक का हेड बैंड। ये 2 का पेयर है और बहुत प्यारा फ्लोरल डिज़ाइन है। और जैसे कि रेट्रो मूवीज़ में हीरोइंस डालती थी, ये उसी स्टाइल का हेड बैंड है और बहुत प्यारा सा लुक मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इसे अपने लिए ऑर्डर कर लिया। और जो इसका MRP था वो था 799 रुपीज़। इस समय H&M के प्रोडक्ट्स पे अप टू 70% तक की सेल चल रही है। ये बेस्ट टाइम है शॉपिंग करने के लिए। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने सेल के दौरान ही परचेज किए हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये है ओल्ड रोज कलर की ट्रैगिंग। ये बहुत प्यारी सी ट्रैगिंग है, पोलका डॉट्स है इस पे। और ये मैंने 2 to 3 ईयर्स साइज़ में परचेज की है। कुही का सेकेंड बर्थडे 26 जनवरी को आता है, तो इसलिए मैंने उसका नेक्स्ट साइज़ अब परचेज किया है। ये थोड़े से थिक मटेरियल में है, तो आप हल्का सा जो विंटर होता है आप उसमें भी पहना सकते हैं, और समर्स में तो ईजिली आप इसको पहना ही सकते हैं। इसका जो मटीरियल है वो थोड़ा इलास्टिक मटीरियल है, सो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है ये। और इसका जो फैब्रिक है वो स्वेटशर्ट का जैसा फैब्रिक होता है, ये वैसा ही फैब्रिक है। इसका जो MRP था वो 799 रुपीज़ था। ये स्किनी फिट है और बहुत प्यारी सी मुझे ये लगी है। H&M के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो अच्छी होती होती है, उसके साथ एक चीज़ और भी अच्छी थी कि जो भी प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुआ है वो या तो कार्डबोर्ड या पेपर पैकेजिंग में रिसीव हुए हैं। इन्होंने प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सो ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे रिसीव हुआ है वो ये है ग्रीन कलर की कॉर्डरॉय की स्कर्ट। ये कॉटन मटेरियल में है और बहुत प्यारी स्कर्ट है। इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा थिक है, तो जब विंटर्स में बेबी स्कर्ट डालते हैं और उसके साथ स्टॉकिंग एंड बूट्स के साथ पेयरअप करते तो बहुत ही स्मार्ट लुक आता है, तो इसीलिए इसी पर्पज से मैंने ये स्कर्ट ऑर्डर की थी। आगे और पीछे इसका जो पैटर्न है वो सेम है, बीच में भी देख सकते हैं कि फ्रिल करके उसको हैम किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। इसी स्कर्ट के साथ पेयर अप करने के लिए मैंने ये स्टॉकिंग का पेयर ऑर्डर किया था। सो ये दो स्टॉकिंग है जो कि न्यूट्रल कलर में है, एक वाइट कलर में है और एक ग्रे कलर में है। ये सभी ड्रेसेस के साथ चली जाएगी और बहुत ही स्टॉकिंग पे भी डिज़ाइन दिया गया है, आप देख सकते हैं। सो वाइट कलर की स्टॉकिंग पे भी डिज़ाइन है और ग्रे पे भी है। और इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा थिक मटेरियल है, तो विंटर के हिसाब से अप्रोप्रिएट रहेगी। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसके नीचे एक और स्टॉकिंग भी पहना सकते हैं, थोड़ा कवरेज मिल जाएगा बेबी को ज़्यादा और ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये भी मैंने 2 to 3 ईयर्स के साइज़ में परचेज़ की है और इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट लुक आता है। अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे टेंडर कुही पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये सारे प्रोडक्ट्स कुही कैसे स्टाइल करती है उसकी फ़ोटोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। जो ग्रे कलर की स्टॉकिंग है वो थोड़े थिक मटेरियल में है एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टॉकिंग, और इसका भी पैटर्न और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। सो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी और काफ़ी प्रोडक्ट्स के साथ मैं इनको पेयर अप कर पाऊँगी एंड स्टाइल कर पाऊँगी कुही के लिए। सो जो इसका MRP है वो 799 रुपीज़ है। यहाँ पे मैं डिस्काउंटेड प्राइस शेयर नहीं कर रही हूँ, आप H&M की साइट पे जाकर जो है प्राइस चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क सेल में जो प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है पिंक कलर का कॉर्डरॉय का डंगरी। आजकल कॉर्डरॉय काफ़ी इन है और बहुत सारे पैटर्न्स और डिज़ाइंस में अवेलेबल है, तो ये देख सकते हैं बहुत प्यारा सा डंगरी सेट है। सो स्टॉकिंग्स को मैं इसके साथ भी पेयर कर सकती हूँ। इसका जो MRP था वो 999 था और बैक पे इसके
क्रिस क्रॉस का पैटर्न है और साथ में इलास्टिक दिया गया है, तो ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन मुझे लगा। इसके साथ व्हाइट कलर की आप स्की भी अंदर पहना सकते हैं और नीचे व्हाइट कलर की स्टॉकिंग एंड पिंक कलर के बूट्स, तो बहुत ही स्मार्ट लगेगा ये पीस पेयर अप किया हुआ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो ये है मरून कलर के ट्रेनर्स। ये बहुत ही प्यारे से शूज़ हैं और इसका जो सोल है वो काफ़ी सॉलिड है और इसको आप बाहर भी पहना के बेबी को इजीली लेके जा सकते हैं। बेबी इनमें वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, अंदर से कुशनिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बेबी के पैरों में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें बो का ये प्यारा सा डिज़ाइन भी बना हुआ है, साइड में ए लेटर से एम्ब्रॉयडरी की गई है, सो जिस बेबी का नाम ए से शुरू होता है उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट मैच रहेगा। और ये शूज़ मुझे काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी प्यारे लगे। जो इनका MRP था वो था 1499 रुपीज़, और ये मैंने साइज़ 22 में ऑर्डर किए थे, तो ये कुही के लिए थोड़े से छोटे थे। तो मुझे H&M की वेबसाइट पे एक्सचेंज की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इन शूज़ को रिटर्न कर दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे क्या रिसीव हुआ है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मैंने शूज़ ही ऑर्डर किए थे, ये एक पिंक कलर में बहुत प्यारे से शूज़ थे। सो इसका जो पैटर्न है और डिज़ाइन है ये बहुत ही प्यारा है। ये मैंने कुही को बर्थडे पे पहनाने के लिए ऑर्डर किए थे। अंदर से इसका ये फरी मटेरियल है, सो भी ये बेबी को विंटर्स में वॉर्म भी रखेगा। इसका भी साइज़ मैंने 22 ही अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर किया था, तो मुझे साइज़ चार्ट देख के वही लगा था कि कुही को वही साइज़ परफेक्ट आएगा, तो ये भी कुही को थोड़े से छोटे थे तो मैंने इसको भी रिटर्न कर दिया। और एक नया, यानी कि इसमें 23 साइज़ अवेलेबल था, तो मैंने 23 साइज़ के शूज़ ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो भी मुझे जल्दी ही रिसीव हो जाएंगे। इसका भी MRP 1499 था और ये भी मुझे डिस्काउंट में बहुत अच्छे प्राइस पे रिसीव हुआ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इस पे जो पैटर्न और डिज़ाइन है बहुत प्यारा है। ये पार्टीज़ के लिए एकदम परफेक्ट है, आप एकदम कंफर्टेबल भी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था वो सेम ओल्ड रोज़ कलर में फ्रॉक ऑर्डर की थी, तो ये समर्स के लिए फ्रॉक है और ओल्ड रोज़ कलर में है। जैसे कि मैंने पहले ट्रैगिंग ऑर्डर की थी, सेम उसी पैटर्न की है। इसका भी मटेरियल कॉटन मटेरियल है और आगे पीछे इसका सेम ही डिज़ाइन था, और इसमें ये छोटी छोटी फ्रिल्स बनी हुई थी, तो बहुत ही प्यारी ये लग रही थी। तो जो इसका MRP था वो था 699 रुपीज़, और ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक जब कोई इसको पहनेगी तो बहुत ही प्यारी और क्यूट लगेगी। सो आइए देखते हैं इस पैकेट में क्या है। इस पैकेट में मुझे रिसीव हुआ है ये 3 रोम्पस का सेट। सो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रोम्पस थे। हाउएवर मैंने इसको 2 to 3 ईयर साइज़ में ऑर्डर किया था, बट गलती से मुझे 3 to 4 ईयर साइज़ का रोम्पस रिसीव हुए थे जो कुही के लिए काफ़ी बड़े थे, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। और अगर दूसरा छोटा साइज़ अवेलेबल होगा तो मैं इसको दोबारा रीऑर्डर करूँगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और ये बेबीज़ को रात को पहनाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि कॉटन मटेरियल है और समर्स में स्पेशली ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। और इसका जो एकदम प्लेन सॉलिड कलर था, कोई इस पे डिज़ाइन नहीं था। ये 3 कलर में मुझे रिसीव हुए थे, ब्लू, ब्राउन एंड वाइट कलर। सो इसमें ऑल ओवर टिच बटन दिए गए हैं, तो ये पहनाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और इजी है, कॉटन मटेरियल है तो बेबी को सोते समय काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करता है। सो इसकी स्लीव्स पे और बॉटम्स पे ये ऐसा इलास्टिक सा पैटर्न था और इसका इलास्टिक भी काफ़ी सॉफ्ट था, सो बेबीज़ को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इससे। सो ये है मेरा सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट। आइए देखते हैं लास्ट प्रोडक्ट मैंने क्या ऑर्डर किया था। सो लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने रिसीव किया था वो था ये स्टॉकिंग का सेट। सो इसमें एक ब्लू कलर था और एक ग्रे कलर था। सो ये साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, क्योंकि ये मैंने 1 to 2 ईयर साइज़ में ही अवेलेबल था, तो मैंने वही साइज़ ऑर्डर किया था। और लेकिन मैंने कुही को पहना के देख लिया था, एकदम परफेक्ट उसको आ रहा था, क्योंकि जो ये फैब्रिक था वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक था, तो उसकी वजह से ईजिली वो कुही को आ गया। ये समर्स में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स के लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट लेकिन अगर आप डबल लेयरिंग करके पहनाएंगे तो आप पहना सकते हैं विंटर्स में भी।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे थम्स अप ज़रूर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेंटकू ही।